मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ हैं कनिज फातिमा जी, जो कि शाहीन बाग का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो आपने लगातार इनको देखा होगा और कई जो है भाषणों द्वारा ये चर्चित भी रही हैं, और कहें तो भारत में ही नहीं विदेश में भी इनकी चर्चा हुई है। कनिज फातिमा जी, आज आपको जो है महिला दिवस पर सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपको थैंक्स कहूंगी और हैप्पी वीमेंस डे आपको भी, आप भी वीमेन हो। थैंक यू, आपको भी। और कहेंगे क्या, कोई मैं पहली महिला नहीं हूँ। हम लोग बचपन से नानी दादी माओ को से सुना है नबियों वलियों का किस्सा कि एक से एक बहादुर थी हमारी महिलाएं, तो हम क्यों ना करें, उसी के नक्शे कदम पे तो चलना है। हम लोगों ने अपना काम कम जिम्मेदारी से कम करते हैं, इस वजह से जो कुछ भी ऐसा गलत हो रहा है, तो चाहते हैं कि अब हमारी सारी महिलाएं प्रेरित हों, अपनी वलियों नबियों की माओ नानी दादियों की बहादुरी के किस्से सुने, उनके नक्शे कदम पे चले। क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का में कस्टम ऑफिसर हुआ करती थी, वो कितनी लीगल एक्सपर्ट हुई। जब वो लोग पकड़े जाते थे मिलावट में या तौल में, तो कोड़े भी हमारी खातून लगाया करती थी। हमारी खातून बहुत बहादुर थी, जंगे उहद में सील और स्वर्ड से लड़ी है। हमारी असमा थी, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी थी और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की सगी बहन थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यर्मुक की लड़ाई में लहूलुहान हो गई, बहुत ज़ख्मी होकर, मगर उनको खुरोज तक नहीं आने दिया। और पॉलिटिक्स में भी हिस्सा मेजर रोल प्ले किया है आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने। और जो ये थियोलॉजी और वो जूरी प्रूडेंस जो है थियोलॉजी न्याय शास्त्र और धर्म शास्त्र लिखने वाली भी राबिया है। मैम कहते हैं कि महिला जो है चार दीवारी में रह तो ज़्यादा सही है, चौका बर्तन करे तो ज़्यादा सही है, बाहर निकलेंगी तो बाहर का माहौल उनके लिए ठीक नहीं है, कुछ लोगों का ये कहना होता है, तो उनके लिए क्या कहेंगी आप? तो देखिए, बाहर की हवा जहाँ तक कहा जाए, सही में इतना प्रदूषण है कि क्लाइमेट सही नहीं है। महिला के लिए क्या, महिला के बच्चों के लिए क्या प्रदूषण नहीं है? महिला की एक बच्चे घर आ जाए टाइम से तो वो थैंक्स गॉड कहती है। सबके लिए खतरा है, महिला और सुरक्षित तो है ही, ठीक कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा रहा कि घर में जाके बर्तन चौका चूल्हा ही करो। हमारे नबी का जो फरमान है, शिक्षा में क्रांति आई थी उसी वक्त जब महिला शिक्षा तालीम निस्वा पे उन्होंने जोर दिया, बहुत बड़ी महिला में क्रांति आई थी, एक शिक्षा में क्रांति आई थी और लोग उसके कदम पे चले, कंधे से कंधा मिलाए मर्दों के, अपने बाप के, अपने भाई के। खेतों में काम किए उसने, ऑफिस में काम किए उसने, जो हुनर वगैरह पहले करते थे उन सब में काम किए, हमेशा साथ दिया महिलाओं ने पुरुषों का। मैडम कहती है कि मुस्लिम महिलाओं में जो है फातिमा थी, हाँ, जिन्होंने अंग्रेजों को चने चबा दिए थे, दांतों तने, उनसे लड़ गई थी और शिक्षा के दौर पर जो है उन्होंने पहला जो है अपना कदम उठाया। हाँ, वो सुल्ताना थी, रजिया सुल्ताना थी, हजरत महल थी। हाँ, हाँ, हमारी बीबी फातिमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। और देखिए, हमारी जो रजिया सुल्ताना थी, हजरत महल भी अंग्रेजों के चने चबाए थे, तो बताए तो कि उनसे पहले हुजूर के जमाने में जंगे उहद में उन्होंने सील और तलवार से लड़ी है, यर्मुक की लड़ाई लड़ी है। औरतें हमारी कस्टम ऑफिसर रही हैं, लीगल एक्सपर्ट रही हैं, जो 5 लाख से ज्यादा बुक का लाइब्रेरी बनाई है, जो समरकंद थी, और वो फेज और मोरक्का के जो बहुत बड़े मर्चेंट थे, उन्होंने अपने बाप के पैसे से यूनिवर्सिटी बनाया जो अभी भी अलकरमोल कायम है मोरक्को में। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है, हम लोग कम काम करते हैं, हम लोगों को भी प्रेरित होने की जरूरत है। आज का जो माहौल है वो सही में महिला के लिए प्रदूषित है, प्रोटेक्शन की जरूरत है महिला को, क्योंकि हम लोग आर्म वाला कोई काम नहीं करते हैं, घरेलू काम करते हैं, तो अब हम लोग को फिजिकल डिफेंस की भी जरूरत है ताकि बाहर का प्रदूषण खत्म कर सके और अपना काम आसानी से कर सकते हैं। हर फील्ड, हर इंस्टीट्यूट में महिला के लिए कहा जाता है कि एक प्रावधान बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए, हर इंस्टीट्यूशन में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन ही करप्शन की जननी होती है। तो ऐसा माहौल नहीं रहा, मगर औरतों को अपनी बहादुरी और अपनी समझदारी हर फील्ड में दिखानी होगी, अपने हाथ में। लेकिन सरकार तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिला को जो है 33% आरक्षण दे दिया गया है, महिला जो है अब चुनाव में जो है सीटें दी जाएंगी उनको भी टिकटें दी जाएंगी। जी, अगर ऐसी बात आप कह रहे हो तो हम थैंक्स कहना चाहेंगे, मगर हम भी चाहते हैं
कि एक एनआरसी का मंत्रालय बनाया जाए, महिला को जो 33.3% जो आरक्षण है उस आरक्षण के नाम पर ब्लैकमेल न किया जाए, उसकी शख्सियत उसके वजूद को न मिटाया जाए, सदन में भेजा जाए, सांसद बनाया जाए, एनआरसी का हम लोगों को बना दे मंत्रालय, हम ही लोग इतना मौका नजाकत वाला काम हम लोग ही कर सकते हैं जो पूरे देश में शाहीन बाग में एक से एक इंटेलेक्चुअल लेडी है, ITN रही है, लीगल एक्सपर्ट रही है, वो लोग अपना बेहतर काम करेंगे, एनआरसी पर हम ही लोग बेहतर काम करेंगे, एक मंत्रालय बना दे सरकार और हम लोग वो सब संभाल लेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं महिला जो है ना देश नहीं चला पाएगी, क्या हमारी इंदिरा गांधी प्रतिभा पटेल अभी ये मुड़मुड़े चला नहीं रहेगा, दिख नहीं रहा है, कान आंख बंद है क्या, कैसे नहीं चला पाएगी, हमारी झांसी रानी को क्यों भूल जाना चाहते हैं, और पहले भी दुनिया जब से बनी है क्या हमारी जो ईव थी आदम अलैहिस्सलाम की बीवी, उन्होंने संघर्ष नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा ना, जितने नबियों वलियों की माएँ रही है या आदमी जितना आदम है सबकी बीवियाँ ने कुछ ना कुछ काम की, तभी तो आज इतनी अच्छी जिंदगी बाकी जीवन जो जी रहे हैं, आज के दौर में बदलाव आया है ना उनकी वजह से, औरतें अगर नहीं हिस्सा ली इस बदलाव में तो कैसे बदलाव, मतलब ये भ्रम है लोगों के, भ्रम है, औरतें ही देश चला सकती, औरतें ही चला सकती हैं, अच्छा से चला सकती है तो देश भी चला, बिल्कुल, औरत का अगर मतलब बैठे भी है किसी इंस्टीट्यूशन में तो औरत से टेबल टॉक तो जरूर करो, राय मशवरा जरूर लो, औरत के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि ये इस हिस्से का काम नहीं समझती है, बात नहीं समझती है, राय मशवरा तो टेबल टॉक हमेशा होना चाहिए, घर में भी उनसे बड़ा काम करते हो तो उनसे राय मशवरा लो, तब देश ठीक रहेगा, कौम ठीक रहेगी, समाज ठीक रहेगा, परिवार ठीक रहेगा। उन महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा मैडम जो महिला ही महिला को टॉर्चर कर रही है और कहीं ना कहीं हताश कर रही है? हाँ, वो जो इल्म की थोड़ी कमी है, जैसे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम निस्वा पे जिस तरह का जोर दिया, जिस तरह से शिक्षा में क्रांति आई थी, वो थम सी गई है। हम ये नहीं कहते कि हर जगह अफसर ही बनो, घर में भी हजार काम है, हॉस्पिटल में जाते हो फॉर्म भरते हो, आप टिकट कटाते हो फॉर्म भरते हो, ATM चलाते हो, साइन करना होता है, हर तरह से पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि आप जाके ऑफिसर ही बनो, ऑफिसर जरूरत होती है तो जरूरत होगी तो कर लो, मगर पढ़े लिखे जरूर रहो, पढ़ना जरूरी है, जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन्हीं को गलत सही का फर्क नहीं है, किनको दबाना चाहिए किनको नहीं दबाना तो किसी को नहीं चाहिए, ये पूरा यूनिवर्स मानवता के लिए बना है, हर मानव इंसान जितना है, जो ऑक्सीजन फ्री का अल्लाह ने बनाया है, ये पेड़, ये जमीन, हवा, आग, पानी, सूरज, चांद, सितारे, वो हर मानव का अधिकार है, कोई किसी को नहीं दबाए, कोई किसी को नहीं जुल्म करे, कोई किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे, सब खुशी से रहे, सब महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? वही एकता, अमन, आजादी का, जो इंसाफ का हम लोगों ने संकल्प लिया है, सारी महिला एक हो जाए और देश में अमन शांति फैलाए।